दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली शिमला मिर्ची। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब करें। आइए बनाते हैं बेसन वाली शिमला मिर्ची। और जो नए व्यूअर्स हैं वो याद से नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब करें। बेसन वाली शिमला मिर्ची बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी बेसन, 4 कटिंग किए हुए शिमला मिर्ची, इसके इतने बड़े बड़े क्यूब्स हमें चाहिए। और इसके साथ ही चाहिए हमें नमक, मिर्ची और कटे हुए 2 लेमन, ऑयल और थोड़ी सी हल्दी। और ये बनाते हैं शिमला मिर्ची। सबसे पहले हम गैस पे एक फ्राई पैन रखेंगे और उसे फ्लेम देकर रीहीट करेंगे। ये हमारा प्री हीट हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा राइस ब्रैन ऑयल। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल गरम हो रहा है। इसमें अब हम डालेंगे शिमला मिर्ची और उसको हल्का सा तल के बाहर निकाल लेंगे। आप तभी डालिए जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटिंग की हुई शिमला मिर्ची और हल्का सा ऐसे तल के हम 5 मिनट में बाहर निकाल लेंगे। आपको इसे पूरा अच्छे से नहीं तलना है, हल्का हल्का सा तलना है। अब इसे हल्के हाथ से हम घुमाएंगे। ताकि ये चारों तरफ से तल सकें। देखिए दोस्तों, हमारी शिमला मिर्ची अच्छे से तल रही है। हमने इसमें राइस ब्रैन ऑयल डाला है जो विटामिन ए और D2 से भरपूर है। यह राइस ब्रैन ऑयल आपको वेस्टीज के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या शॉप से मिल सकता है। इसमें इससे हमें डायबिटीज़, VP और वेट को बढ़ने से ये रोकता है। प्लस ये काफ़ी सारे बीमारियों में आपके काम आता है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। यदि आपको ये अवेलेबल कराना है तो आप किसी भी वेस्टीज या डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर से मंगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी शिमला मिर्ची हल्की हल्की तल गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। हमने अपना गैस बंद कर दिया है और धीरे धीरे हम इसे शिमला मिर्ची को अपनी एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, इस तरह निकालिएगा कि इसमें थोड़ा भी ऑयल ना रहे। देखिए दोस्तों, हमने ये सारी शिमला मिर्ची अपनी ऑयल से बाहर निकाल ली है। अब हम ये हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ ऑयल एक पॉट में बाहर निकाल लेंगे। हमने इसमें से थोड़ा सा ऑयल बचाया है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, करीब 1 बड़ा चम्मच। अब हम इसे गर्म करेंगे और इसमें हम अपना बेसन को भुनेंगे। हमने जो एक बॉयल अपनी जो बड़ी कटोरी बेसन की ली थी, अब हम वो इसमें भुनेंगे। इसे 1 मिनट भी ना छोड़े, हल्के हाथ से इसे अच्छे से घुमाते रहें ताकि इसमें ना लम्स हो और ना ही ये जले। दोस्तों याद रखना, इसे हिलाते रहना है, इसे रोकना नहीं है। यदि आप रोकेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, प्लस ये हो सकता है कहीं से जल जाए और कहीं से कच्चा रह जाए। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन अच्छे से भुन रहा है, ये अच्छा ब्राउन हो चुका है।
हमने इसे एक पॉट में उतार लिया है और इसे थोड़ी देर ठंड, ये बहुत ही गर्म है, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखें ताकि इसमें हम मसाले मिला सकें। हमारा बेसन ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नींबू का रस। ये हमने दो नींबूओं के रस को निकाल के रखा था, अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम गैस पे फ्राईमन रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने गैस पे फ्राईमन रख दिया है, अब इसमें हमने जो शिमला मिर्ची बाहर निकाल के रखी थी उसे डालेंगे और फ्लेम को कम कर देंगे। अब इसके बाद ही जो हमने मसाला बेसन का बनाया था, जिसमें हमने नमक मिर्ची डाल के और नींबू का रस डाल के तैयार किया था, उसे चारों तरफ फैला देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और गैस को सिम कर कर या धीमी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि बेसन और शिमला मिर्ची आपस में मिक्स हो जाएं। देखिए दोस्तों, हमारी शिमला मिर्ची और बेसन अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इसे गरम गरम सर्व करें। देखिए दोस्तों, हमारी शिमला मिर्ची तैयार है, इसे किसी भी पराठे या रोटी के साथ सर्व करें और हमारी रेसिपी को लाइक करें। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में बना के उस रेसिपी को शेयर करें।